शुभ प्रभात। आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज। राष्ट्र निर्माता 30 नवंबर आखिरी धरना आर या पार। अंधेशकों को नियमित करने के लिए और शिक्षा मित्रों को उनकी मांगों के लिए ये धरना 30 तारीख को हो रहा है। आप जरूर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये सही कहा है किसी ने। साथियों, अब बारी है अपनी हक, अपने सम्मान, अपने मान सम्मान के लिए, राष्ट्र निर्माताओं को अपनी बात रखने के लिए। लखनऊ में होने जा रहे इस धरने में क्या क्या होने वाला है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। अब समाचार विस्तार से। साथियों, अंधेशक मित्रों से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, आर या पार, वादा पूरा करे सरकार, नियमित करें हम हैं लाचार। लखनऊ में होने वाले धरने के लिए अपील की जा रही है आप सभी से ज़्यादा संख्या में जाकर अपनी मांगों को उठाएं और सभी कर्मचारी संघों का सहयोग करें। बुलंदशहर से ये समाचार है। अंधेशक ये हैं मांगे। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर अधिकारी मंच के बैनर तले शनिवार को नगर के शिवचरण इंटर कॉलेज में बैठक हुई। इसमें पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों के समर्थन में 30 नवंबर को लखनऊ में होने वाले आंदोलन में ज़िले के शिक्षकों को जाने के लिए अपील की गई और निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि 30 नवंबर को जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र से एक बस में शिक्षक लखनऊ जाएं, और साथ ही अंधेशक शिक्षा मित्रों से भी अपील की गई कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस धरने को सफल बनाएं। साथियों, यहां पर ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपने मांग पत्र में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया है, दूसरे स्थान पर रखा है। इस लेटर में पूरा समाचार दिया गया है और शिक्षा मित्रों ने उसके लिए कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित किया है इसके लिए। साथियों, ये धरना आखिरी होगा क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लग सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए और एक शिक्षक की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी बातों को रखें और आदर्श समाज के होने का एक परिचय दें। साथियों, ये लेटर आप देख रहे हो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, तो इन्होंने इसमें अपनी मांगें रखी हैं और साथ में संविदा कर्मियों की भी मांगों को जगह दी है। साथियों, अब एक होकर सभी लोगों को ये मांगें उठानी होंगी, तभी सरकार आपकी बात को मानेगी। क्योंकि साथियों, जहां संख्या बल नहीं होता है वहां कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको संगठित होकर संघर्ष करना होगा, क्योंकि यही एक सफलता का मूल मंत्र है कि जब तक आप संगठित नहीं है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तब तक आप वो कभी सफल नहीं हो सकते। ये अपील की जा रही है समस्त संगठनों से, अन्वेषकों चाहे शिक्षा मित्रों, सभी संगठनों से अपील की जा रही है कि 30 नवंबर को लखनऊ में होने वाले इस धरना प्रदर्शन में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और आप लोग सभी इस धरना में ज़रूर प्रतिभाग करें, अपना सहयोग दें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। आप सभी तन मन धन से संगठनों का सहयोग करें और इस कार्यक्रम को, हक अधिकार के कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा लें और आगे सफल भी बनाएं। साथियों, मैं समस्त अनुदेशक शिक्षा मित्रों से अपील करना चाहूँगा कि सब एक हो जाओ और जिला मुख्यालयों पर एकत्रित होकर आप लखनऊ के लिए रवाना होइए। रणनीति के तहत, प्री प्लानिंग के तहत आप अपनी इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में वहां जाकर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करो और इस समय सरकार ज़रूर मानेगी, क्योंकि 2022 के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। साथियों, हो सकता है आपका इस धरना से हमेशा हमेशा के लिए भला हो जाए और जो समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मेरा यही निवेदन है, अपील है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गैर कानूनी काम या गैर कानूनी तरीके से अपनी बात को ना रखें, ये ध्यान रखें आप। और यहाँ पर पूरा समाचार है। मंच की मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली,
कैशलेस चिकित्सा सुविधा, शिक्षा मित्र और अनुदेशक सहित संविदा कर्मियों को स्थायी करना, संविलियन विद्यालय निरस्त करना, शिक्षकों की पदोन्नति, रसोइयों का मानदेय 10,000 करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाना आदि लंबित हैं। जिला मंत्री ये सारे सदस्य उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की है साथियों। तो मेरा यही निवेदन है कि आप इस धरना प्रदर्शन में ज़रूर जाएं, अपने ब्लॉक स्तर पे ज़रूर लोगों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आगे बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से सरकार के वर्ष 2017 के घोषणा पत्र को याद दिलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 2017 में अपने वादा किया था कि हम समस्त अनुदेशकों को नियमित करेंगे और उनको उनका सम्मान दिलाएंगे। और झूलेलाल मैदान में एक रैली भी हुई थी, तो राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको नियमित करने का काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। हमने सभी ने मिलकर, सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सभी संविदा कर्मियों ने भाजपा को वोट किया, उनकी सरकार बनाई और महाराज जी को मंच पर बिठाया, सिंहासन पर दिया, लेकिन आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, ये बात बताई जाएगी साथियों। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मेरे शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों, अब एक ज़बरदस्त आंदोलन के लिए तैयार रहें। हमारा नारा होगा, बराबर काम बराबर दाम, वरना होगी नींद हराम। ये त्रिभुवन सिंह जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि क्योंकि हम समान कार्य समान वेतन के कानून के तहत काम कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन वेतन हमको नहीं मिल पा रहा है। समान कार्य तो कर रहे हैं लेकिन सरकारें हमें वेतन नहीं दे, जबकि अन्य सरकारें प्रदेशों की अपना समान कार्य समान का वेतन दे रही हैं, दे चुकी हैं। हाल ही में पंजाब ने भी घोषित कर दिया। साथियों, आप ज़रूर जाएं धरने में, अपना ख्याल रखें और बस मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।